और ये करते समय पूरे पूरी की इलेक्ट्रिसिटी को कट ऑफ कर देते हैं, क्योंकि जब ये होता है तो वो दिल कोई नहीं देख सकता है, क्योंकि अगर वो दिल कोई देख ले तो द पर्सन कैन एक्चुअली डाई। थैंक यू ऑल, especially all the people and all of my loved ones and all of my fans from Odisha. Thank you, I'm here to see you all. 2 hours later. और अब मैं अपने event पे जा रही हूँ, पर अभी मुझे on the way खाली का मन कर दिया, तो अब हम खा रहे हैं chicken egg roll. रास्ते से वो वाले shop से लिया है और यहाँ से हम ले रहे हैं लस्सी. और क्योंकि मैंने अच्छे वाले कपड़े पहने हैं तो हम लोग, मेरे dress पे बहुत सारे tissue papers लगा because I don't trust myself one bit. Must the planning. Yes, zindagi. Yes, I have to be safe. So as you can see, main pure protection ke sath ready hu. Let's try the roll. It looks very heavy and very big, but very juicy, very nice from inside. I like the stuffing. तो मैं अपना रोल खा ही रही थी और लस्सी के लिए वेट ही कर रहे थे कि हमें रास्ते में सामने कुछ इंटरेस्टिंग बनता हुआ गरम गरम दिखा, तो हमने हमारे दादा को बोला कि जाके भाग के लेके आओ. उन्होंने बोला वो है पकड़ी. क्या है पकड़ी? पकौड़ी. हाँ, ओ बाय द वे अजमल भाई आ गए हैं. अजमल भाई हाय बोलो. फाइनली अजमल भाई भी आ गए हैं, ये बोलना भूल गई थी ना आपको. अरे पकौड़ी भी हम खाने वाले हैं, देखते हैं पैसा. बात तो सही है. आ गया. क्या बोला? क्या चटनी? चटनी दिया कि नहीं? अरे चटनी कैसे समझा? चटनी पर समझा ना रे. चटनी बोलना नहीं समझ रहे. वो नहीं सुन रही. क्या बोल रहा है? चलो देखते हैं ये एग्जैक्टली बना क्या रहा था. इंटरेस्टिंग. चटनी नहीं दिया पर इसने मिर्ची तल के. मिर्ची तो दो ना, चटनी नहीं है. हाँ मिर्ची लाओ. मिर्ची ऐसी प्याज बेसन बैंगन बहुत गर्म है तो बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. क्रिस्पी. खाओ खाओ खाओ. मम्मी मम्मी आ गया है. इसमें वो रबड़ी नहीं है ना? नहीं रबड़ी नहीं है. रबड़ी तो नहीं है. देखते है. मिर्ची भी आ गया है फ्राई करके. नाइस नाइस. वेरी नाइस लस्सी. इट्स गॉट आई थिंक इट्स गॉट अ लिटिल बिट ऑफ गुलकंद इन इट ना. रोज रोज जैसा लग रहा है ना. मैंने ऐसी लस्सी कभी जिंदगी में नहीं खाई. इट्स दैट गुड. लस्सी, मिर्ची, पकौड़े, ये होता है जिंदगी का कॉम्बिनेशन. नेक्स्ट लेवल यार, ये कितनी ऑसम है यार. तो अभी लस्सी पकौड़े मिर्ची के साथ और हमारे रोल तो खा लिया है, उसके साथ साथ आ गया है कबाब. यम. चटनी, प्याज, ये सीख कबाब. वेरी नाइस यार, लुक्स वेरी वेरी टेस्टी. Wow, it's a feast. It is a feast. I am killing it, killing it, killing it.
So juicy. Let's try the chutney. So good. आज चिन्मय ने किल कर दिया, किल जलवा है हमारा। क्या खाना खिलाया, मजा आ गया। This is the Kunar Chakra that represents the Sun Temple of Kunar. So Tejasvi is going back home with a lot of memories and small token of gratitude from our side. So we have come back from the event and we are watching Tere Ishq Mein Ghayal. Abhi thoda sa second telecurrent ka shot tha. Abhi I'm not sure kaun sa shot chal raha hai. But that is how we're spending the night, me and Prerna, and we're okay. Wow. That's a good scene. Okay. Wow, kya scene hai? I'm not sure if it's for my own. Okay. I think this is for all the viewers of Tere Ishq Mein Ghayal. Do watch this show. It is amazing. I find it beyond entertaining. And all the best. तो मैं लिटरली 2 बजे सोने गई और मुझे उठना था 4 बजे बिकॉज आई हैव टू रीच द एयरपोर्ट एट 5 बिकॉज 5:15 मुझे मतलब रीच होना ही है बिकॉज 6:15 की फ्लाइट है सो आई हैव टू रीच अबाउट लाइक एन आवर एंड अ हाफ अर्ली एट लीस्ट तो 2 घंटे मेरे सोने के लिए थे बट आई वॉज सो एंशियस द होल नाइट कि मैं 1 सेकेंड के लिए भी नहीं सो पाई सो लिटरली दिस इज मी नॉट हैविंग स्लेप्ट फॉर इवन अ सेकेंड एंड आई हैव टू लैंड टू इन मुंबई एंड लिटरली गो टू द सेट एंड शूट प्रे फॉर मी तो मैं अब वापस आ गई हूँ जगन्नाथपुरी से और जगन्नाथ धाम के मंदिर का मैंने दर्शन लिया इसलिए मैंने सोचा कि इस व्लॉग में मैं आपको जगन्नाथ पुरी के बारे में भी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊं जो जब मैंने वहां दर्शन लिया तब मुझे पता चले हैं सो आई हैव 5 थिंग्स दैट आई वांट टू टेल यू गाइस एंड इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग तो ऐसे कहते हैं कि जगन्नाथ पुरी जगन्नाथ मंदिर में भगवान के अंदर का दिल असली दिल अभी भी मौजूद है इसीलिए जब भी वो मूर्ति चेंज करनी होती है तो वो दिल भी एक्चुअल दिल जो प्रेजेंट है जो अभी धड़क रहा है उसे भी ट्रांसफर करना होता है और ये करते समय पूरे पूरी की इलेक्ट्रिसिटी को कट ऑफ कर देते हैं वहाँ के जो पंडित जी है जो ये दिल मतलब दूसरी मूर्ति में रखते हैं वो भी अपनी आंखों में पट्टी बांधते हैं पूरी में पूरा का पूरा पूरी में अंधेरा हो जाता है क्योंकि जब ये होता है तो वो दिल कोई नहीं देख सकता है क्योंकि अगर वो दिल कोई देख ले तो द पर्सन कैन एक्चुअली डाई सेकेंड जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर जो ध्वज है जो फ्लैग है जो लहराता है वो हमेशा आपका जिस डायरेक्शन में विंड है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो जो फ्लैग है वो लहराता है विच वॉज सो सरप्राइजिंग टू सी क्योंकि मैं वहां पर थी और मैंने एक्चुअली देखा कि विंड एक तरफ जा रही थी और जो फ्लैग है वो दूसरी तरफ लहरा रहा था तो जगन्नाथपुरी का मंदिर 214 फीट का है तो बेसिकली अगर आप उस मंदिर के नीचे हो तो जो ध्वज है वो आप बिल्कुल भी देख नहीं पाओगे इट्स दैट टॉल और सुदर्शन चक्र जो है जो मंदिर के ऊपर है जो विष्णु जी का है वो आप पूरी में देख सकते हो और आप कहीं से भी उस सुदर्शन चक्र को देखो वो ऐसे ही लगता है कि वो आपकी तरफ फेसिंग है फ्रॉम वॉट एवर एंगल यू लुकिंग एट इट लिटरली टू यू लुक्स एज इफ वो आपकी तरफ ही फेसिंग है
और आप कभी कभी भी कोई मंदिर देखते होंगे, कोई भी बड़ी इमारतें या फोर्ट्स देखते होंगे, आपको हमेशा इन फोर्ट्स पर बर्ड्स बैठते हुए दिखेंगे या फिर एटलीस्ट आसपास इर्द गिर्द उड़ते हुए दिखेंगे। पर जगन्नाथपुरी के इस मंदिर में मैंने भी खुद देखा कि एक भी बर्ड वहाँ पर नहीं बैठा हुआ था और एक भी बर्ड वहाँ से उड़ के मतलब आसपास उड़ भी नहीं रहा था। और इसी वजह से विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग, इसी वजह से कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर भी उस मंदिर के ऊपर से फ्लाई नहीं कर सकता है, बिकॉज अभी तक पता नहीं है किसी को कि वहाँ पर कोई बर्ड क्यों नहीं जाके बैठा है। एंड द लास्ट थिंग दैट आई एम गोना टेल यू गाइस, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, वो ये है कि जगन्नाथपुरी में मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा रसोई है, वहाँ 500 कुक्स है और 300 हेल्पर्स है। और वहाँ पर एक ऐसे ट्रेडिशन में खाना बनता है, एक तो लकड़े से आग जलती है और जो खाना बनता है वो मिट्टी के मटके में बनता है, और ये खाना बनता है सुबह, और वो कभी भी कितने भी लाखों लोग आए मंदिर में दर्शन के लिए, ये खाना कभी भी किसी के लिए कम नहीं पड़ता है। और एक बात कि जब भी ये मंदिर बंद होने वाला होता है शाम को रात को, तभी ये प्रसाद हमेशा ख़त्म हो जाता है, सो द प्रसाद वहाँ पर कभी वेस्ट ही नहीं होता कभी भी। और एग्जैक्टली जितने लोग वहाँ पर दर्शन लेने आते हैं, ऐसा फील होता है जैसे कि लिटरली उनके लिए उनके हिसाब से बना है, क्योंकि वो कभी किसी को कम नहीं पड़ता और मंदिर बंद होने समय वो एक्चुअली सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। और वहाँ पर प्रसाद बनाने का तरीका ये है कि सात एक के ऊपर एक मटके रख के प्रसाद बनता है, और नीचे जैसे सात मटके हैं और उसके नीचे लकड़े की आग है, और वहाँ पर जो मटका आग से सबसे दूर है, सबसे ऊपर है, उस मटके का खाना सबसे पहले पक जाता है, फिर सेकेंड नंबर के मटके का खाना पकता है, फिर थर्ड नंबर मटके का खाना पकता है, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, और सबसे आखिर में जो सातवें नंबर पे जो मटका है उसका खाना पकता है, जो विच अगेन इज अ मिस्ट्री, जो अभी तक किसी को पता नहीं है कि कैसे सबसे ऊपर वाला मटका सबसे पहले पक जाता है और सबसे नीचे जो आग के सबसे पास है उसका खाना सबसे आखिर में पकता है। सो दैट इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ कुकिंग प्रसाद, कुकिंग द भोग ओवर देयर विद इन सात मटके, और इस तरह से वो सारा पकता है। तो मैं जब भी पूरी गई थी, वन ऑफ द नाइट्स हमें टाइम था तो हम बीच पर भी गए थे। अब आइडियली जब आप बीच पे जाते हो तो दिन के वक्त जब हमेशा बीच से आपके लैंड के तरफ हवा बहती है, पर पूरी में और जब रात होती है तब लैंड से बीच के तरफ हवा बहती है, पर पूरी में दिन में लैंड के तरफ से बीच के लैंड से बीच के तरफ हवा बह रही थी और रात को बीच से हवा आ रही थी लैंड के तरफ, विच इज नॉट हाउ इट इज इफ यू गो टू एनी ऑफ द अदर बीचेस। अगर आप किसी भी समुद्र में जाएंगे तो आपको ये हवा ऐसी बहती हुई नहीं दिखेगी। तो बेसिकली जैसे यूजुअली हवा बहती है बीच से लैंड की तरफ दिन में, पूरी में लैंड से बीच की तरफ बहती है इन द डे एंड ऑब्वियसली द ऑपोजिट इन द नाइट। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और सरप्राइजिंग फैक्ट्स जो मुझे बहुत शॉक भी किए, सरप्राइज भी किए, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक आपके स्पिरिचुअल बिलीफ का जवाब नहीं होता या अभी तक हम क्रैक नहीं कर पाए हैं, बट आई थिंक इट वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू गाइस, क्योंकि जगन्नाथ धाम हमारे चार धामों में से एक है, तो इसीलिए मेरा फाइनली मतलब मैं एक धाम में जाके दर्शन लेके आई हूँ। सो आई जस्ट थॉट कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस ब्लॉग के जरिए मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज, कुछ एक्चुअली इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊँ। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ये तेजा तेजा क्या है मेरा यूट्यूब चैनल तेजस्वी प्रकाश।